सनातन धर्म मोदी योगी के आने से नहीं आया। चित्रकूट में हमारे पुरखे परिक्रमा लगाते थे, हम लोग लेट के परिक्रमा लगाते हैं। एक बीजेपी का मोदी जी को और शाह जी को बुलाई, मेरे साथ लेट के परिक्रमा लगाएंगे? मोदी जी ने आंख मूंद करके निजीकरण किया है। एक बात सभी लोग जानते होंगे कि अगर गांव में कोई महिला प्रसव पीड़ा से करा रही हो, कोई भी आदमी हो सकता है, तो उसका आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 1 रुपए में इलाज होता है। एम्बुलेंस उसको लेने आती है, लेकर के छोड़ने जाती है। अगर ये निजीकरण हो जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल नहीं रहेंगे, तो भैया आप में से कितना कोई बता दे कि क्या 50,000 से नीचे डिलीवरी होगी? वो माँ मर जाएगी कि नहीं मर जाएगी? उसको एम्बुलेंस कौन से लेने जाएगी? अगर आप काबिल होंगे तो नया मकान अपने बच्चों के लिए बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने माता पिता की जमीन बेच डालेंगे, गिरवी रख देंगे। दूसरी बात, सभी लोग जानते हैं लेकिन स्वीकार कोई नहीं करेगा, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, जब उन्होंने शपथ ली है, उस समय देश में कर्जा कितना था? और यहाँ कोई भी आदमी अगर खड़ा हो, चाहे वो बीजेपी का प्रवक्ता हो या कोई भी आदमी है, आज बता दे देश में कर्ज कितना है। इस बात को मतलब आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा, आप बता दीजिए, आपके सामने गूगल में डालिए, इस बता दीजिए कि हम विरोध नहीं करते, हम वहाँ पे ध्यान दिखाना चाहते, ठीक है, ध्यान देने के लिए बता दीजिए। दूसरी बात, जब की घटाइए बताइए भाई, 55 लाख करोड़ पहले था, अब मुझे लगता है 2.5-3 गुना हो गया। मोदी जी इतने बड़े पहले से मुख्यमंत्री थे, मुझे लगता है ऐसी कोई बात जो है ये जो राजभर जैसे नहीं बोलना चाहिए कि देश का, जिस देश का पैसा गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। तो मोदी जी खुद देख लें कि जिस दिन मैंने शपथ लिया है संविधान की 14 में, उस समय रुपए की कीमत क्या थी और आज रुपए की क्या कीमत, उनको हर आंसर मिल जाएगा। एक काम केवल उन्होंने अच्छा किया है, धारा 370, उसके सिवाय एक भी ऐसा काम नहीं है जो उन्होंने कोई अप्रत्याशित कर दिया हो या जनहित में कर दिया। कह रहे थे कालाधन वापस आ जाएगा, रियल में मोदी जी को आधा वोट इसी बात में मिला था, 2 करोड़ रोजगार हर साल और कालाधन। लेकिन अगर कालाधन यही हमारा सफ़ेद हो जाता, जिसमें उन्होंने कहा आतंकवादी मर जाएंगे, वो ऐसे डॉक्टर निकले कि पेट में कीड़े मारने के लिए तेजाब पिला दिया, उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि आंतें कट जाएंगी। देश की जनता कितने लोग मर गए इसकी जानकारी करें, इसमें विचार करें जनता, विमर्श करें और फिर अपना निर्णय ले। उनको अगर वोट देना है तो दे, नहीं देना है तो न दे। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे एक साल में, हम कह रहे हैं अगर एक पंचवर्षीय योजना में भी 2 करोड़ रोजगार देते तो 10 साल पूरे होने वाले हैं, 4 करोड़ रोजगार गिना दें, फिर से वोट दे दिया जाएगा। और हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि भाई साहब नौकरी छोड़ा है, मेहनत किया है और जाति पात धर्म की दीवारें छोड़ करके किया है, मतलब मोदी जी के लिए अपने घर परिवार में लड़ाई किया है कि बीजेपी को वोट देना है इस बार, किसी पार्टी को नहीं देना। अब आप समझिए कहाँ है हमारी, बड़ी बात कर रहे हैं आप, आपने घर में लड़ाई किया। देखिए हमारे घर में 22 वोट है, पहले सुनिए, पहले सब कांग्रेस में जाते रहे, कुछ बसपा में जाते रहे, लेकिन 14 में ऐसा हुआ कि 22 वोट में से जो हमारा वोट कभी नहीं जाता था, उसमें जितने लड़के पढ़ने वाले थे बीएससी में से, क्या हमें तो नौकरी करना है, भाड़ में जाए कोई सपा बसपा कांग्रेस, 22 वोट में 14 वोट गया, जबकि एक भी वोट नहीं मिलता था। तो आप ये समझिए, हम जो सच बोलते हैं, एक कोई वोट नहीं मिलता था आपके परिवार से, हमारे घर से 2014 में दिलाया आपने, अरे दिलाया कि रिश्तेदारों को फोन करते थे, एक मिनट रिश्तेदारों को भी फोन करते थे आप, वोट आया कहाँ से, क्या ईवीएम के लिए? एक मिनट सुनिए, अगर जनता ने वोट ईवीएम तो छोड़िए ईवीएम, सुनिए आप अपनी बात जो बता रहे हैं, आप अपनी बात बता रहे हैं कि दो समझ नहीं रहे, अगर जनता ने वोट नहीं दिया तो इतने परसेंट क्या ईवीएम ने वोट दिया है, क्या इसका मतलब जनता ने वोट दिया है? जनता ने वोट दिया, जनता वही तो दिया है। पहले तो इनको 2004 का चुनाव देखिए, 2009 का चुनाव दीजिए, बीजेपी के 10 ही सांसद होते थे ना, तो इतने सांसद कैसे आ गए? ठीक है, जनता ने तो वोट दिया, मानता हूं मैं, 2014 में भी दिया, 2019 में भी दिया, जनता मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, जो वोट 2014-19 में मिला वो नहीं मिलेगा। आपने अपने रिश्तेदारों को कहा कि भाजपा को वोट दो, अरे भाई सब ने कहा है यार, हम ही कौन है, पूरा देश पागल था, हमको नहीं है क्या, जो सच बोल रहे हैं तो फिर वो बात सही है, पूरे देश के साथ पागलपन में आप भी चले गए। पागलपन नहीं, सुनिए आप अगर मुझे कहेंगे कि देश से काला धन ला रहा तो कौन राष्ट्रवाद की भावना नहीं करे, हम तो राजेश राष्ट्रवादी, हम क्यों नहीं करेंगे राष्ट्रवाद? भाई राष्ट्रवाद में तो पूरा देश चलेगा ना, जात धर्म थोड़े ना चलता है, ये तो सब पक्ष विपक्ष तो छोटी बातें हैं, ठीक है, राष्ट्रवाद में चलेगा तो हम क्यों नहीं जाएंगे, स्वाभाविक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, देना भी चाहिए, परिवर्तन करना भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं, जनता को रिजिड होना चाहिए, नहीं इसी पार्टी को हम वोट देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, जनता को समय के हिसाब से अपने वोट को परिवर्तन करना चाहिए, देखना चाहिए आज ये समय जो चल रहा है उसे परिवर्तन करना चाहिए। 2014 में आपने भाजपा के लिए वोट किया, 14, 17, 19 तीन बार भाई, 22 में नहीं दिए हैं, 22 में हमारे यहाँ एक शुक्ला जी थे उनको दिए क्योंकि हमारे मित्र थे, और इसलिए दिए हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखियचारी, अगर बुरे वक्त में मित्र ही काम आता है, इसलिए हम लोग बहुत पार्टी ऐसा नहीं, मित्र के हिसाब से दे दिया, पार्टी बेस पे वोट आपने नहीं किया 22 में, 24 में क्या करेंगे आप? 24 में अब हमारा विचार है क्या करेंगे, फिलहाल मोदी जी नहीं आएंगे, काम खत्म, जिसको देखेंगे जो कैंडिडेट होगा दिया जाएगा। 14 में परिवर्तन किया था वैसे 24 में परिवर्तन करने वाले, हम क्या कर रहे हैं, पूरे देश की जनता कर रही है भैया,
आप सीधी बात समझ लीजिए, पूरा देश आ रहा है, पूरा देश मतलब जो देखिए कोर वोटर होता है उसको ये मतलब नहीं है, चाहे कुछ कुछ सपा में जाता ही रहेगा, चाहे सपा अच्छा करे चाहे बुरा करे, कुछ बसपा में जाता रहेगा, आप तो जानते ही हैं ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। लेकिन जो वोटर एक चाहता है कि एक नहीं हम जो है हमें 2 करोड़ नोट कार्ड चाहिए, हमें सरकार से मतलब नहीं, वो जो नौकरी चाहता है, जो आप ये देख रहे होंगे कि जो रुपया हमारा देश कैसे मजबूत होगा, जो कह रहे हैं मजबूत हो गया, अरे GDP कितनी चल रही थी, तो देश तो तब मजबूत होगा जब रुपया मजबूत होगा, और रुपया कैसे मजबूत होगा जब फॉरेन रिजर्व आएगा, फॉरेन रिजर्व कब होगा जब मोदी जी की नीतियाँ अच्छी होंगी, आप खुद ही समझ लीजिए। लेकिन फिर भी बड़ी आप बात करें कि 2014 में भाजपा के लिए आपने काम किया, रिश्तेदारों का परिवार का सबका वोट दिलाया, दिए हैं बहुत लोग दिए हैं, हमारे लिए पढ़ने लिखे वाले लोग जो मेल वोटर है, सच्चाई है, कोई नहीं मानेगा, हम सच्चाई बता रहे हैं, बहुत लोगों ने वोट दिया, लेकिन अब वो वोट नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग समीक्षा अधिकारी सिलेक्टेड थे 2016 में अक्टूबर में, इसके बाद वो फिर से भर्तियां हुई, फिर 18 में हुई, तो हमारी नौकरी चली गई हम क्यों देंगे, अच्छा बताइए आपकी नौकरी चली जाएगी तो क्यों देंगे, ठीक है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भाजपा के लोग तो कह रहे हैं हमारी 80 की 80 सीटें आ रही हैं, भाजपा को वोट चाहे जितना खराब करे, कुछ लोग देंगे देंगे, लेकिन जो बीच का वोटर है जो 18-20% होता है वही तो शिफ्ट होता है इधर उधर, सरकार कैसे बनती, कभी सपा की कभी बसपा की कभी कांग्रेस की, जो 18-20% वोट होता है वही बदलाव चार करता है, बाकी जो रूढ़वादी जातिवादी वोट है वो तो वहीं रहेगा, वो अब की बदलाव चाह रहा है 18-20% का बदलाव होगा, वो हर जगह शिफ्ट होता है, पहले क्या बसपा की सरकार नहीं बनी क्या, क्या सपा की नहीं बनी क्या, क्या मोदी BJP की गवर्नमेंट अगर आप देखें किसी से पता कर लीजिए, 2004 अटल जी थे, साइनिंग इंडिया का नारा, 2009 केवल उत्तर प्रदेश में 10 सांसद थे, अचानक से 70-72 कहाँ आ गए, तो जो 10 है 10 तो बने रहेंगे, लेकिन 10 के ऊपर जो वोट गया था वो शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब 24 में बड़ा परिवर्तन होने वाला जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, आप कभी रिजल्ट देख लीजिए, अब आपके सामने है, चाहे कोई भी चुनाव देख लीजिए, नहीं 75 नहीं क्या बात कर रहे हैं, दूसरी उपचुनाव की बात नहीं, आप पश्चिम बंगाल देखिए, केवल और भी कई देखे, और उसमें जो DDC के चुनाव हुए हैं सब जगह परिवर्तन है, हम किसी के समर्थन नहीं कर रहे, जो नौकरी देगा उसी को वोट देते, लेकिन उन्होंने इनके पास मौका मिला था, अब कुछ नहीं होगा, अच्छा मौका मिला था आपको लगा कि उस तरीके से काम कर बोलते हैं, सीधी बात है बहुत झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, झूठ के झांसे में आ गए थे आप, नहीं नहीं झूठ के झांसे में तब नहीं आए थे, तब तो ये लग रहा था कि सच बोल रहे हैं, हमने आपको बता दिया एक काम इन्होंने अच्छा किया है, नहीं नहीं 2014 में जो बोल रहे थे जो वादे कर रहे थे तो आपको लग रहा था कि हाँ ये हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, ऐसा लग रहा था सपना मतलब हो जाएगा, हम कह देखिए 15-15 लाख के हिसाब से नहीं, हमने नौकरी के हिसाब से वोट दिया, नौकरी के हिसाब से और दूसरी बात हमें ये लग रहा था जो अंदर की बात है कि POK भारत में शामिल हो जाएगी, भाई POK जो राष्ट्रवाद के नाम पे आप भाजपा वोट दिए थे, बस सीधी बात है, नौकरी तो आज भी कहते हैं कि हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है, POK क्या है भैया, देखिए मीडिया में कुछ नहीं बताया जाता, अब मीडिया बंद करिए फिर बताइए कि जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश में POK की अरे वो तो राष्ट्रवाद की बात आप कह रहे हैं ना, हिस्सा नहीं, आप राष्ट्रवाद की बात नहीं, POK भारत का हिस्सा नहीं, बिल्कुल हिस्सा है, तो फिर वो कब आएगा, भारत का मुकुट है, हम लोगों ने तो उसी में वोट दिया है ना, क्या बात कर रहे हैं, अगर वो आ जाएगा तब, अरे आ जाएगा तो फिर वोट देंगे, फिर जोड़ दे देंगे, अगर वो रुपया कमजोर रुपया हमारा मजबूत हो जाए 60% क्यों नहीं देंगे वोट, फिर वही बात है महंगाई कम हो जाए, अरे महंगाई देखे कोई बहुत हमारे लिए वो है जनता के लिए है, लेकिन हमारा जो एक दिमाग वो है बहुत बड़ी, हम जब राष्ट्रवादी हैं तो राष्ट्र की बात करेंगे, राष्ट्रवादी हो गया भाजपा को अपनी 2024 में वोट नहीं करेंगे, हम क्या कह रहे हैं अभी POK आ जाए, रुपए की कीमत मजबूत हो जाए फिर वोट दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि लड़ाई है क्या किसी से, फिर वोट दे देंगे, अरे यार फिर वही बात कर रहे, नौकरी नहीं मिली तब, नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तो आप कह रहे थे कि नौकरी के लिए हम तो कुछ ना कुछ देश में अच्छा होना चाहिए ना, नौकरी तो बहुत बड़ी बात है, भूखो प्यास 4 महीने से मतलब 2024 में आपको लग रहा परिवर्तन होने वाला, वोट कम हो जाएगा बस हो जाएगा, क्या नाम है आपका, हमारा नाम है सनातन राजेश राष्ट्रवादी, हम बुंदेलखंड से आते हैं, नाम के आगे सनातन लगाते हैं आप, लगाते नहीं हाई है, लगाते क्या है, इनके कहने से है क्या, लगाए हुए भी, पहले सुनिए एक बार, जब मोदी जी नहीं थे योगी जी नहीं थे तो क्या कोई रामचरितमानस नहीं पढ़ता था क्या, यही है क्या बकलोल जब से आ गए यार, क्या बात कर रहे हो, हमारे दादा पुरखे मर के चले गए, 10-10 रामायणे रखी रही, चित्रकूट में इनकी औकात है परिक्रमा लगाने की, हम लोग पैदल परिक्रमा लगाते हैं, कोई भक्त होता नहीं, ये सब बनावटी है, और गौ सेवा की बात कर रहे हैं, पीढ़ियों से गाय क्या किसान पालता नहीं था क्या, तो फिर न ये गौ भक्त हैं नए राम भक्त हैं, सनातन को बचाने के लिए लोग कहते हैं कि ये लोग आए, अच्छा ये जब आज ये जब नहीं थे तब सनातन नहीं बचाता क्या, धरती को तो बचाएं, धरती जो घूम रही उसको कौन बचा रहा है यार, क्या बात कर रहे, रामचरितमानस हमारे बाबा जी पढ़ के चले गए 100 साल में, तो रामचरितमानस मोदी योगी कहने से पढ़े थे क्या, ये सब फालतू की बात है, ये सब में इसमें वैमनस्यता फैलती है, ये बकलोल है कुल मिला के, बस इस मुद्दे में मैं शुद्ध कहूंगा, हमारे घर में जैसे मान लीजिए कोई आदमी लंगोटा पहनता है या पीताम्बर धारण करता है, हनुमान जी की पूर्ति करते थे हम जो बच्चे थे, हनुमान जी में सिंदूर चढ़ाते थे, मंगलवार रहते थे, अरे बड़े मूर्ख है इस विषय में तो ये मतलब, अब खैर मुझसे न कहलवाई की बात कर रहे हैं तो मूर्ख है, अरे अच्छा इसके पहले धर्म नहीं था, हिंदू की बात करें तो मूर्ख है भैया, यार पहले हिंदू धर्म था कि नहीं था,
गाय की पूजा होती थी कि नहीं होती थी, गंगा की पूजा होती थी कि नहीं होती थी? जिस तरीके से हिंदुत्व की बात हो रही थी कहाँ हो रही थी, चुपचाप बैठे रहे थे। हो गया, सुनिए, घर के अंदर बैठे रहे थे। माता गौ माता कर रहे हैं आप, चलिए मेरे बुंदेलखंड में चलिए। और अगर वहाँ के किसान ये ना कह दे कि कालिंजर की घटना में 8-10 ट्रक बकायदे आरटीओ और डीएम लेकर के जीवित गायों को दफन करवाया, जो मुगलों के शासन में नहीं हुआ, जिस दिन वो सच सामने आएगा गाय के श्राप से कोई नहीं बच पाता। सच बोलना चाहिए, ठीक है? ये जो गौ माता है, जीवित गाय को गौशाला में कौवा खोल लेते हैं। चलिए बुंदेलखंड में मैं दिखाता हूँ, प्रमाण दिखाता हूँ उसके। गायों का विरोध कर रहे हैं भाजपा का। आपसे मैंने कहा प्रभु, सनातन धर्म मोदी योगी के आने से नहीं आया, उसके पहले रामचरितमानस, रामायण सुनिए। और चित्रकूट में हमारे पुरखे परिक्रमा लगाते थे, हम लोग लेट के परिक्रमा लगाते हैं। एक बीजेपी का मोदी जी को और शाह जी को बुलाई, मेरे साथ लेट के परिक्रमा लगाएंगे? यार हम ज्यादा तपस्या कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं? बोलने से नहीं होता सर, बोलने से नहीं होता। आप लेट के परिक्रमा लगाई चित्रकूट में, 5 किलोमीटर का, देखिए उसको कहते हैं। बात आप समझा करिए, केवल चिल्लाने से मैं राम भक्त नहीं हो गया, केवल गौ माता कहने से हो जाऊंगा क्या भक्त? राम मंदिर बना नहीं रहे। देखिए राम मंदिर क्या, जब तपस्ली हमारे पास है, वो तो एक मंदिर है, आप उन्होंने बना दिया। अब मंदिर पता है, मंदिर तो कम है, वो हिंदू और मुस्लिमों की आस्था और अस्मिता का प्रश्न था, इसलिए हिंदू एकजुट हुए थे। बात समझ रहे हैं? सच्चाई यही, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। सनातनी हो क्या आप, ऐसी बात कर रहे हैं? तो मैं कह रहा हूँ ना कि अच्छा काम है, लेकिन हमारे जब चित्रकूट है भाई, देखिए जो खुला मंदिर होता है उसमें जाने में ज़्यादा आपको लगेगा, जहाँ सजा धजा होगा, सजे धजे जगह नहीं हम जाते। बात समझ रहे हैं कि नहीं सर? हम लोग किसान आदमी हैं, सजे धजे जगह में जाने में नहीं है, ज्यादा मंदिरों में ज्यादा वो सब है। सनातनी है आप? सनातनी कहते किसको, पहले आप बताइए। हमको नहीं पता, हम इसलिए आप मैं पूछ रहा कि हमारे दसियों पीढ़ी सभी के बुंदेलखंड में चली, उत्तर प्रदेश में, क्या रामचरितमानस पहले नहीं पढ़ी जाती थी? क्या रामायण का पाठ नहीं? बचपन में हम 3 में पढ़ते थे, दादा कहते थे खोलो भैया। बाकी कई नेता कहते हैं कि अगर भाजपा नहीं, थोड़ा पीढ़ियां मर के चली जाएंगी, सनातन जिंदा रहेगा, देश जिंदा बात रहेगा, भारत जिंदा रहेगा, ठीक है? ये सिर्फ सिगुफा है, इससे कोई मतलब नहीं, पार्टी से कोई मतलब नहीं। अरे पार्टी पार्टी अपनी राजनीति करती। अच्छा आप बताइए, आपको लगता है कि भाजपा सनातन धर्म के नाम पर राजनीति करती है? भाजपा की स्थापना कब हुई है, कब हुई आप बताइए पहले? 80 के दशक में। 80 के दशक में, जब मैं कह रहा हूँ हमारे बाप दादा और सभी के रामायण उनको कंठस्थ नहीं रहती थी क्या? रामचरितमानस कंठस्थ नहीं रहता था क्या? चित्रकूट नहीं जाते थे क्या? इसके पहले हिंदू धर्म नहीं था क्या? उसके पहले क्या पीताम्बर नहीं पता, साधु सन्यासी नहीं होते थे? ये क्या मतलब है, ये सब निरर्थक बातें, इनमें समय पर बात। आप सनातनी हो के आप कह रहे हो कि भाजपा सनातन के नाम पर राजनीति करती है? सनातन है, और बताइए, हर हिंदू सनातन के नाम पर भाजपा जो है राजनीति करती है? मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने कहा कि जो वही कह रहे हैं हिंदू बचा रहे हैं, आपका प्रश्न है, तो मैं कह रहा हूँ उसके पहले भी हिंदू धर्म था, उसके पहले भी सनातन धर्म था, उसके पहले भी रामचरितमानस को लोग पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था 3री क्लास से, ये मैंने उत्तर दिया। तब तो मोदी योगी का नाम भी नहीं आया, 3री क्लास का बच्चा क्या जाने।